हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पूरी फैमिली अच्छी होगी। तो बहुत दिनों से मैं आपके बीचों से गायब था, तो आ गया हूँ मैं आपके पास बहुत दिनों के बाद। तो कोशिश करूंगा कि आज कुछ नया बताऊं, कुछ नया आप लोगों के बीच छोड़ू। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया था, बहुत पहले बताया था, उसके बाद मैं आपके बीच से गायब हो गया। मैंने बताया था कि ड्रोन के ऊपर मैं सीरीज लाने वाला हूँ। जो भी आपके प्रॉब्लम्स होंगे आप मुझे कमेंट में बताओ, मुझे कॉल करो, मैंने वहां अपना नंबर भी छोड़ रखा है। तो उस नंबर पे, दिए गए नंबर पे मुझे कल कॉल आया मेरे व्यूअर्स के द्वारा। कॉल तो ऐसे भी बहुत सारे आते रहते हैं, तो मैंने कल सॉल्व कर दिया। तो मुझे उस पर वीडियोस बनाने की जरूरत नहीं लगी थी, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही कवर कर लिया था उस चीज, उस टॉपिक को। तो कल जो मुझे कॉल आया वो था, गिम्बल कैलिब्रेशन नहीं हो रहा था भाई का अपना, और वो कंपास कैलिब्रेशन मांग रहा था। उसने नया ड्रोन परचेज करा था। तो ये कंपास कैलिब्रेशन और गिम्बल कैलिब्रेशन क्यों मांगता है वो मैं बताऊंगा आपको। तो भाई के रिमोट के ऊपर नोटिफिकेशन आ रहा था, तो शायद वो नहीं कर पा रहे थे और ड्रोन उनका फ्लाई नहीं हो पा रहा था। तो आज हम कवर करेंगे कि ड्रोन को कैलिब्रेट करने की जरूरत क्यों होती है, ठीक है, और कैलिब्रेशन कितने टाइप का होता है वो हम कवर करेंगे और देखेंगे, और कैसे कैलिब्रेट करना है वो भी हम देखेंगे। तो स्टार्टिंग टू एंड सारा प्रोसेस देखेंगे, वीडियो पर बने रहें। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो आपके जरूरतमंद दोस्त हैं जो ड्रोन से रिलेटेड उनको कुछ समस्या आ रही तो उनके साथ शेयर जरूर करें। तो कल जो फोन आया था हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, वो भाई ने DJI Air 2 परचेस करा था। तो जो DJI का Air 2 S है वही मॉडल अभी मैं लेकर आपको दिखा रहा हूँ, और इसी पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि इसको कैलिब्रेट कैसे करना है और कितने टाइप के कैलिब्रेशन होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कैलिब्रेशन तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप्स में एक हमारा जो मेन कैलिब्रेशन होता है, जो हमेशा कभी भी आपको मांग सकता है, वो कंपास कैलिब्रेशन है ड्रोन का, ठीक है। सेकंड, गिम्बल कैलिब्रेशन, जो हमारा 3 एक्सिस गिम्बल है, XY जो इसको होता है वो ड्रोन कैलिब्रेट करता है, ठीक है। और एक हमारा दूसरा जो है, दूसरा सॉरी तीसरा तीसरा कैलिब्रेशन जो है वो हम RC कैलिब्रेशन करते हैं। तो अब इन तीनों कैलिब्रेशन को हम कैसे करेंगे और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपास कैलिब्रेशन की। कंपास कैलिब्रेशन की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि ड्रोन हवा में फ्लाई करता है, ठीक है। तो ड्रोन के अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। ड्रोन अपने आप को हवा में अस्थिर कैसे रखेगा, तो वो कंपास के थ्रू ही हो पाता है, ठीक है। तो ज्यादा टेक्निकल टर्म में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना समझना है कि कंपास जो है वो हवा में अस्थिर रखने के लिए ड्रोन को बनाया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेंसर्स हैं वो सारे कैलिब्रेट होंगे, ठीक है, सब एक दूसरे के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। और हाँ, आप महीने में, मंथ में एक बार जरूर कैलिब्रेट करें, ठीक है। अगर करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, और जब इसकी जरूरत तब पड़ेगी आपको जब आप नया ड्रोन खरीद कर ले आए, उस समय एक बार आपको करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी जरूरत तब पड़ सकती है जब आसपास कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइक, जैसे कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि वेडिंग शूट करते हैं, तो वेडिंग शूट करते करते हमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो स्पीकर्स होते हैं, DJ का सेटअप वगैरह होता है, तो उसमें बहुत ही हैवी जो मैग्नेट होते हैं वो यूज होते हैं। तो अगर आप उसके पास ड्रोन को रख कर आप फ्लाई करने की कोशिश करेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है, तो वहाँ फ्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इससे कैसे बचें, तो कम से कम ड्रोन को उस मैग्नेटिक फील्ड से 3 से 5 मीटर की दूरी बनाए रखें। मिनिमम 3 है, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो 5 मीटर की दूरी उससे बनाए रखें और 5 मीटर की दूरी पर जाकर फ्लाई करें। दूसरा, ये प्रॉब्लम तब आ सकता है आपको फ्लाई करते हुए जब बहुत सारी लोहे की वस्तुएं आसपास रखी हो और आप उस जगह पर फ्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम वहां पर आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो अभी चलते हैं कि हम दूसरे कैलिब्रेशन पे, गिम्बल कैलिब्रेशन। गिम्बल कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम जो है वो आपको ये फेस करनी पड़ सकती है कि कभी कभी गिम्बल ठीक से रोटेट नहीं होगा, ठीक है। आप जिस तरीके से उसे मूव करना चाहते हैं वो उस तरीके से मूव नहीं होगा। तो हमारे पास 2 सेटिंग्स मिल जाते हैं ड्रोन के अंदर जो हमें DJI देता है, एक मैनुअल एक ऑटो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑटो कैलिब्रेशन ही करो गिम्बल के लिए, क्योंकि वो ड्रोन अपने मुताबिक सारा कुछ ले लेता है, आपको उतना तामझाम करने की जरूरत नहीं। अगर आप मैनुअल पे जाते हो तो थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती है जिसके कारण कि आपको और भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो इससे अच्छा सजेशन मेरा ये रहेगा कि आप ऑटो कैलिब्रेशन करें। और तीसरा जो हमारे पास आता है RC कैलिब्रेशन, मैंने बताया वो मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो जॉयस्टिक कैलिब्रेशन होता है, ठीक है। तो कैसे होता है वो मैं बताऊंगा, इसमें उतना तो नहीं होता लेकिन फिर भी
जॉयस्टिक कभी कभी आपका ढंग से वर्क ना करे, जो आप पावर दे रहे हो वो पावर ना ले, जो आप अमाउंट में इसे इंफॉर्मेशन दे रहे हो इंफॉर्मेशन ठीक से ना भेज पाए, तो हमें जरूरत पड़ सकती है कि हम आरसी कैलिब्रेशन करें। तो अभी चलते हैं फटाफट, हम सारा सेटअप कर लेते हैं ड्रोन को, कैसे रिमोट वगैरह में आप फोन वगैरह लगा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि कैसे कैलिब्रेशन करेंगे। तो चलिए फटाफट अभी हम ऊपर चलेंगे, ठीक है, छत के ऊपर चलेंगे और वहां आपको करके दिखाएंगे, फ्लाई भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अभी आ गया हूं मैं अपने छत पर अपने ड्रोन को लेकर। तो अभी ड्रोन को सेटअप कैसे करते हैं पहले हम वो दिखाएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैं दिखा ही चुका हूं, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं। तो चलिए अभी ड्रोन को फटाफट सेट कर लेते हैं और फिर देखेंगे। जो मेन वीडियो है हमारा वो कैलिब्रेशन के ऊपर है, तो कैलिब्रेशन पे मेन ध्यान रहेगा हमारा, अब सब उस पर ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए फटाफट ड्रोन को सेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कैलिब्रेट कैसे करते हैं। तो अभी हम फिलहाल मैंने फोन लगा लिया है, तो अभी रिमोट को ऑन करेंगे और सबसे पहले ड्रोन का जो है हमारे पास वो गिम्बल लॉक खोलेंगे। और एकदम याद रखें कि हमेशा ड्रोन को ऑन करने से पहले गिम्बल लॉक खोलना ही खोलना है, क्योंकि जैसे ही हम ड्रोन को ऑन करते हैं गिम्बल ऑटो कैलिब्रेशन में चला जाता है, तो वो अपने आप को कैलिब्रेट करता है घूमकर, वो नहीं कर पाएगा, तो कभी कभी इसमें गिम्बल खराब होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें और जब भी गिम्बल को ड्रोन को ऑन करें तो गिम्बल लॉक जरूर निकालें। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, जॉयस्टिक के जो स्टिक्स होते हैं वो इसके ठीक पीछे ही होते हैं, तो इसे हम लगा लेंगे, इस पर सेट कर लेंगे और ये हमारा आरसी रेडी हो चुका है। बस अब हम इसे लॉन्च करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू। और फोन को आप जैसे ही ऑन करके आरसी ऑन करोगे तो इसका जो सॉफ्टवेयर है या जो एप्लीकेशन है वो इसमें ऑटोमेटिक लॉन्च हो जाता है। तो चलिए इसे हम लॉन्च कर लेते हैं और हमारा आरसी ये देखिए ये ऑटोमेटिक लॉन्च हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब चलिए ड्रोन को ऑन कर लेते हैं। अब ड्रोन ऑन होते साथ आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक कैलिब्रेट में चला गया। आप देखो इसे, ये ऑटोमेटिक घूमकर कैलिब्रेट करेगा चीज़ों को और गिम्बल सही है या नहीं है वो पूरा पता लगाने की कोशिश करता है। तो इसमें वो फर्स्ट टाइम पे ही पता लगा चुका होता है कि ये गिम्बल सही है या नहीं है। तो चलिए अब हमारे पास कुछ नोटिफिकेशन आ रहे हैं, और DJI Fly वुड लाइक टू यूज टू ब्लूटूथ फॉर न्यू कनेक्शंस। नो, अभी हम इसे क्लोज कर देंगे। हमारा मोबाइल डेटा टर्न ऑफ है, तो इसे हम एक्सेस दे देते हैं, ऑन कर देते हैं। चलिए हमारा डेटा ऑन हो गया। डेटा ऑन करने से होगा ये कि जो हमारा पाथ होगा वो रिकॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसे गो फ्लाई पे करते हैं। होम पॉइंट अपडेटेड, जो हमारा होम पॉइंट है, देखिए अभी सारा कुछ ये टेक ऑफ परमिटेड दिखा रहा, सारा कुछ ले चुका है ऑटोमेटिकली। जो आप मैप पे अगर देख पा रहे होंगे तो ये होम पॉइंट को डिनोट कर चुका है। इससे होगा ये कि ये अपना जहाँ से उड़ेगा, अगर हम कभी इमरजेंसी सिचुएशंस पे अगर होम बटन को टैप करते हैं रिटर्न टू होम को, तो ये इसी जगह पे यहाँ के 10 मीटर के एरिया को लेकर ही ये लैंड करने की कोशिश करेगा। तो चलिए अभी हम इस पर नहीं आएंगे, तो अभी हम पहले देखेंगे कि कैलिब्रेट कैसे करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम चलते हैं अपने जो कैलिब्रेशन है उसके ऊपर। तो कैलिब्रेट कैसे करेंगे, तो अभी हम जो हमारा 3 डॉट है हम इसके ऊपर जाएंगे, साइड में 3 डॉट है। अब इसके कंट्रोल के ऊपर जाएंगे। अब कंट्रोल के ऊपर आप जाएंगे तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और सबसे पहला ऑप्शंस जो होगा वो गिम्बल कैलिब्रेशन पे मैं पहले आता हूँ, ठीक है। जो हमारे भाई ने, आप अगर वीडियो देख पा रहे होंगे भाई, तो आपने पूछा था गिम्बल कैलिब्रेट करना नहीं हो पा रहा था उनका गिम्बल कैलिब्रेट, ठीक है। तो आप देखो इसमें गिम्बल कैलिब्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो। आप कंट्रोल में जाओ, सबसे फिर से दिखाता हूँ फिर से, आप ये 3 डॉट पे जाना साइड में, जो हमारा है ये कंट्रोल वाले ऑप्शंस पे आना, सेफ्टी के बगल में आपको कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ नीचे गिम्बल कैलिब्रेशन का ऑप्शन है, आप गिम्बल कैलिब्रेशन पे जाना। अब आपको दो मोड दिखेंगे, मैंने बताया था ना कि एक DJI मैनुअल भी देता है, एक DJI अपने तरफ से ऑटो भी देता है। तो आप सभी को ऑटो करना है, बिकॉज आप जिसको नॉलेज नहीं होती वो मैनुअली कर नहीं पाएगा। तो आप इसे जैसे ही ऑटो दबाओगे ना, तो आप देखो गिम्बल कैलिब्रेशन होना स्टार्ट हो गया। सामने आके थोड़ा दिखाना,
ये गिम्बल खुद को कैलिब्रेट, देखो आप ये ऑटोमेटिक घूम रहा है और यहाँ जो परसेंटेज दिखा रहे हैं वो ऑटोमेटिक गिम्बल कैलिब्रेट कर लेगा, वो चेक करेगा सही है या नहीं है, सारा एक्सेस सही है या नहीं है, और हमारा कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है आप अगर देख पाए तो। चलिए ठीक है, ये हमारा गिम्बल कैलिब्रेशन हो गया। अब हम जाएंगे जो हमारा है आरसी कैलिब्रेशन, जो मैंने बताया आपको तीन तरह के कैलिब्रेशन होते हैं, कंपास पे मैं सबसे लास्ट में आऊंगा। अब आरसी कैलिब्रेशन पे गए, अब आरसी कैलिब्रेशन पे मैं क्लिक करूंगा, सेम चीज में कंट्रोल पे आना है और आरसी कैलिब्रेशन पे आना है। सबसे पहले ये कह रहा है कि आप देखो मैं क्या एयरक्राफ्ट का जो है पावर ऑफ कर दो, बिकॉज सीन ऐसा है कि एयरक्राफ्ट का पावर इसलिए ऑफ करने बोल रहा है कि अगर आप कभी इसे एयरक्राफ्ट को उड़ते उड़ते अपने आरसी कैलिब्रेशन दबा दिया तो ये कैलिब्रेट में चला जाएगा, आप इसे कंट्रोल कर नहीं पाओगे और हमारा जो एयरक्राफ्ट है वो इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाएगा और वो ऊपर ही रह जाएगा, आप उसे ना उतार पाओगे, फिर वो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो उसके साथ वो कुछ भी हो सकता है, वो क्रैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हमें एयरक्राफ्ट जो है वो ऑफ करने का नोटिफिकेशन आया, तो हम सबसे पहले एयरक्राफ्ट ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद ही आरसी कैलिब्रेशन कर पाएंगे। तो ये हमारा एयरक्राफ्ट बंद हो चुका है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आरसी कैलिब्रेशन पे, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ आ चुका है। अब हमें स्टार्ट करने की स्टार्ट करने को बोल रहे हैं, तो अब हम इसे स्टार्ट करेंगे, तो हम जैसे ही इसे स्टार्ट किए तो अब देखो हमारे पास रिमोट कंट्रोल कैलिब्रेशन ढेर सारे जॉयस्टिक के एक्सेस आ गए। तो अब हम ये कह रहा है कि अब सब देखो सारे जैसे हमारा जॉयस्टिक होता है, जैसे जॉयस्टिक हमारा मूव करता है सेम डायरेक्शन पे सब 0% है। ठीक है, तो अभी राइट कंट्रोल स्टिक, लेफ्ट कंट्रोल स्टिक, ठीक है, तो अब हम ऊपर करेंगे इसे, सबसे पहले क्या करना है पुश द कंट्रोल स्टिक्स एंड रोटेट द डायल। ठीक है, अब जो सबसे पहले होगा उसे करना है। देखो ये सबसे पहले हो गया, ये इसे 100% किया मैंने, मैं जॉयस्टिक को नीचे दबा रहा हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ये देखो मैं जॉयस्टिक को नीचे दबा रहा हूँ, ठीक नीचे दबा रहा हूँ, तो ये 100% हो रहा है। अब मैं इसे साइड दबाया मैंने तो ये 100% हुआ, जैसे जॉयस्टिक का मूवमेंट होता है वैसे आपको करना है। चलिए ये 100% हो गया, ये 100% हो गया, इससे हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो जॉयस्टिक है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा, प्रॉपर मूव कर रहा, जहाँ तक उसे जाना चाहिए वो जा रहा है। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं इस वाले में, लेफ्ट कंट्रोल स्टिक पे आते हैं हम, तो ये हाँ अब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखिए हमारा चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, सारे 100% ग्रीन आए। ठीक है, अब जो ये डायल दिखा रहा ना सबसे बीच में, तो वो हमारा क्या दिखा रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो हमारा डायल है ना, ये जो कैमरा के लिए डायल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कैमरा को अप डाउन करते हैं, तो उसके लिए है। तो चलिए इसे घुमाकर देखते हैं, ये ग्रीन जाता है यानी, ठीक है, ये हो गया कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो गया हमारा। चलिए ये आरसी कंट्रोल आरसी कैलिब्रेशन आपने देख लिया, और फिर आपने जो हमारा गिम्बल कैलिब्रेशन है वो देख लिया, अब चलिए आते हैं कंपास कैलिब्रेशन पे। ठीक है, अब कंपास कैलिब्रेशन के लिए हमें फिर से ड्रोन को ऑन करना होगा, उसके बाद कंपास कैलिब्रेशन कर पाएंगे। चलिए हम ड्रोन को कर लेते हैं ऑन, ड्रोन हमारा ऑन हो गया। तो चलिए अब हम फिर से उसी थ्री डॉट पर आ जाएंगे, ड्रोन हमारा ऑन हो चुका है, थ्री डॉट पर आए और हम चल जाएंगे सेफ्टी वाले सेक्शन में, और सेफ्टी वाले सेक्शन में नीचे जाएंगे और आपको दिखा रहा होगा सेंसर्स पे, मैंने बताया था कंपास जो है वो सेंसर से रिलेटेड है, तो हमारा जो सेंसर को कंट्रोल करता है वो हवा में ड्रोन को अस्थिर रखता है। ठीक है, तो अब हम अपना कंपास सेंसर देख रहे हैं, कंपास नॉर्मल है अभी हमारा, क्योंकि हमारा कैलिब्रेट किया हुआ है, हम हमेशा कैलिब्रेट करते रहते हैं, तो अभी फिर भी हम आपको एक बार कैलिब्रेट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो हम कैलिब्रेट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, किया हमने और किया ऐसे स्टार्ट, तो चलिए अब इसे उठाएंगे और इस तरीके से घुमाएंगे अपने लेफ्ट साइड में। ठीक है, अब इसे ये कह रहा है कि इसे इस तरीके से लें और इस तरीके से घुमाएं। ठीक है, और ये देखिए आप हमारा कैलिब्रेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, अब इसे रख देंगे, अब जो है ना ये हमारा कहीं भी हवा में ना हिलेगा ना डुलेगा, और कुछ भी जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इसे अफेक्ट किया तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा ये करने से, और आप इसे सक्सेसफुली अब फ्लाई कर पाएंगे। आप ये देखो ये आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं देगा। ठीक है,
आप इसे सक्सेसफुली फ्लाई कर पाएंगे। अगर ये कभी भी कैलिब्रेशन करने के लिए बोलता है तो आप इसे इसी प्रोसेस पे करना। अगर कंपास कैलिब्रेशन करता है तो आप इसे इस प्रोसेस पे करना जो मैंने अभी किया है, ठीक है। तो आप देखो, आप देख पा रहे हैं ये उड़ गया और बिना किसी प्रॉब्लम के ये उड़ पा रहा है, ठीक है। तो ये था पूरा कैलिब्रेशन का वीडियो। अगर आप देख पा रहे होंगे तो हमारा ड्रोन कैलिब्रेट हो चुका है, पूरे विदाउट किसी प्रॉब्लम के उड़ रहा है। अगर कभी भी कैलिब्रेशन का ऑप्शन या नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर आता है तो आप इसी तरीके से इसे फॉलो करना, आपका ड्रोन बिल्कुल फ्लाई होगा, अब विदाउट किसी प्रॉब्लम के वो फ्लाई कर पाएगा और कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। वो जब कंपास को कुछ अफेक्ट करता है, लोहा या फिर कुछ भी जो मटेरियल्स होते हैं या मैग्नेट वगैरह, तो ये ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा सिचुएशन आता है। या फिर आप किसी अदर जगह पर जहां आप नॉर्मली फ्लाई कर रहे हैं, फिर या किसी अदर जगह पर जा रहे हैं, तो वहां पर ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसे भी ड्रोन में ये प्रॉब्लम आ रही है या जो भी देखना चाहते हैं, जिसे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व होगा, या फिर अदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे मुझे कमेंट में करें, वहाँ हमारा नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि जो ये ड्रोन है ये कितने किलोमीटर दूर जाता है, कितने किलोमीटर मैंने इसे लास्ट फ्लाई करा है, अगर आपको वो देखना है तो ऊपर आई बटन में उसका वीडियो का लिंक आ जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए, बाय बाय।